नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं यहाँ पे क्लास 12th की मैथ्स को ले रहा हूँ। आज हम यहाँ पे बेस थ्योरम के बारे में बात करेंगे कि बेस थ्योरम क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, किस तरीके से बेस थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है और यहाँ पे बेस थ्योरम की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके सब के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जाके कॉमेंट जरूर कर देना कि आपको इस क्लास का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे बेस थ्योरम देखो, आपको पता है कि जॉन बेस जो है हमारे एक मैथमेटिशियन है, उनके ऊपर यहाँ उन्होंने यहाँ पे इसको दिया, तो उसका नाम बेस थ्योरम हो गया। सिंपल बात है बिल्कुल। बेस थ्योरम क्या है क्या नहीं है, इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक बड़ा सा फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, जो कि आपको देखना है, जबकि मैं इस फॉर्मूले से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। अपना जो बेसिक फॉर्मूला है, जो क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, या मैं कहूँ कि 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कि टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स वही रहने वाला है, कॉन्सेप्ट वही है, बस यहाँ पे हमें समझना है क्या चीज़ है। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई भी इवेंट ई की जब निकालना है, जब ए जो है वो ऑलरेडी अकर्ड है, मतलब ए ऑलरेडी हो चुका है, तब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या होगा, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, वही चीज़ यहाँ पे लिख दी कि क्या चीज़ चाहिए मेरे को यहाँ पे। यहाँ पे जो चीज़ आया वो क्या है मेरा, टोटल फेवरेबल आउटकम्स, मतलब जो मुझे निकालना था वही पार्ट यहाँ पे आ गया। येस और नो, जो मैंने किस चीज़ से लिखा है, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी से लिखा है, ऊपर वाला जो पार्ट है, येस और नो। और नीचे जो है जितने भी इवेंट्स दूसरे हैं, चाहे 1 2 3 4 चार इवेंट हो, पांच इवेंट हो, छह इवेंट हो, अभी एग्जाम्पल लूंगा आपको समझाने के लिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। जब यहाँ पे कितने भी इवेंट हो, सारे इवेंट्स का क्या है, यहाँ पे समिशन का मतलब क्या होता है, सबको एडिशन एड कर देंगे, सबको एड ऑन कर देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे अगर क्या होगा, टोटल आउटकम्स हमारे पास आ जाएंगे और यहाँ पे क्या है, फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे। तो वही फॉर्मूला है और कोई भी इसके अंदर कोई भी चीज़ें नई नहीं है। बेस्ड थ्योरम बस यही कहता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी को यूज करना है, और यहां पे एक इवेंट के साथ आप, मैं ट्री डायग्राम बना के भी आपको समझाऊंगा कि ट्री डायग्राम कैसे बनता है, आप उस डायग्राम की मदद से अच्छे से बेस थ्योरम को समझ सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अगर कोई चाहे तो नोट कर सकता है, ये एग्जाम में लिखने तक बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अलावा अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है तो आपको अच्छे से क्वेश्चंस पे कमांड बनानी पड़ेगी, क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, जिससे कि हमें ये समझ में आए कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। तो देखिएगा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं मैंने, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल में आपके कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं जिसकी वजह से बेस थ्योरम को लाना पड़ा, वो क्वेश्चन ये रहा। आपको दिया हुआ है कि पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, सॉरी द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65, और आगे लिखा हुआ आपका कि दैट देर विल बी द स्ट्राइक 0.80, दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देर इज नो स्ट्राइक, एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देर इज अ स्ट्राइक, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। मतलब काफ़ी बड़ा सारा लेंथी सा क्वेश्चन है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे एक बार आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपको एक चीज़ दी हुई है कि 0.65 जो है, आप देख पा रहे होंगे 0.65 जो है वो क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देर विल बी द स्ट्राइक। ठीक है, स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हड़ताल जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी व्यक्ति निर्माण कार्य का ठेका लिया है, हड़ताल होने की प्रायिकता यहाँ पे है ये। ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ। तो स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, हड़ताल होता है। दैट देर विल बी द स्ट्राइक 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, और देर इज नो स्ट्राइक, एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देर इज ए स्ट्राइक। एक बार स्ट्राइक होने के टाइम यहाँ पे क्या होगा, हमारा स्ट्राइक जो हो गई, अगर स्ट्राइक लग गई तो कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और स्ट्राइक नहीं हुई तब कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, अब आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए किस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों, वो देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देखिए आपको क्या दिया हुआ है, सीधा सीधा 0.65 जो है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी आर 0.65 दैट देर विल बी द स्ट्राइक। तो 0.65 अगर स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, तो अगर 1 में से माइनस कर दूं 0.65 को, तो यह स्ट्राइक नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, देर इज नो स्ट्राइक। सिंपल सी बात है, येस और नो। तो अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, ये तो है हमारा स्ट्राइक और ये क्या हो गया हमारा, देर इज नो स्ट्राइक। तो 1 माइनस 0.65 कितना हो जाएगा, 0.35 हो जाएगा। वो क्या बता रहा है हमें कि कोई भी स्ट्राइक नहीं है, ये आसानी समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, आगे बोला गया है कि 0.80 दैट देयर कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। तो अगर कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीट हो गई टाइम पे, और साथ में आपको बोला गया देयर इज नो स्ट्राइक, तो नो स्ट्राइक के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.8 × 0.35 यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बात सारी किसकी हो गई, नो स्ट्राइक वाला जो है क्राइटेरिया हमने फुलफिल कर लिया। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, लास्ट जो क्वेश्चंस लिए थे उसमें भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था आप लोगों से कि जब भी ओवर वाला सिचुएशन आए, जब भी या वाला सिचुएशन आए, या तो स्ट्राइक होगी या स्ट्राइक नहीं होगी। अगर स्ट्राइक हुई
तो यहाँ पे इतना ये प्रोबेबिलिटी होगी हमारी, और अगर स्ट्राइक नहीं हुई तो ये प्रोबेबिलिटी होगी काम को कंप्लीट होने के लिए, उस वर्क को कंप्लीट होने के लिए। तो आपको समझ में आया होगा यहाँ पे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो या लगते हैं यहाँ पे क्या लग जाता है दोस्तों, प्लस लग जाता है। अब यहाँ पे ये तो नो स्ट्राइक वाली जो प्रोबेबिलिटीज है हमारी, वो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 0.8 क्या है मेरा, 0.8 ये है कि कंस्ट्रक्शन जॉब जो है कंप्लीट हो जाएगी अगर यहाँ पे कोई भी स्ट्राइक नहीं हुई, कोई भी स्ट्राइक नहीं हुई तो ये होगा। तो नो स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी 0.35 है, 0.8 जो है वो काम को कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जिससे कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी आ जाए किस चीज़ की, कि कंस्ट्रक्शन जॉब जो है वो कंप्लीटेड हो जाएगा क्या, ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा क्या। तो चलिए यहाँ पे आगे देखिएगा, 0.65 जो है वो है यहाँ पे अगर स्ट्राइक हो गई तो 0.65 है, और किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 0.32 जो है वो कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी अगर यहाँ पे कोई भी स्ट्राइक नहीं होती है। ये सुनो, अगर यहाँ पे स्ट्राइक होती है, ये तो है नहीं होने की और ये होने की, इन दोनों को एड ऑन कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सिंपली क्या आ जाएगा, हम बोल देंगे डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। हम यहाँ पे बोल देंगे कि अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, या वाला सिचुएशन आ रहा है और वाला सिचुएशन आ रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे हम। तो सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे नॉर्मली आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी है पॉइंट्स उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों का, सिंपली आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन लिखते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि या तो ये चीज़ होगी या फिर ये चीज़ नहीं होगी। दोनों को ऐड ऑन कर दिया तो यहाँ पे लगने वाला जो टाइम है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पे आ जाएगी निकल के। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ दोस्तों, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा जिससे आपको क्लियर हो जाए चीज़ें कि मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने समझ लिया होगा किस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखा आपने, अब मेनली जो है बेस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से वो क्वेश्चन यहाँ पे किया जाता है और बेस थ्योरम अप्लाई कैसे किया जाता है, उसका बेसिक क्या है, उस सब के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि बैग फर्स्ट कंटेंस 3 red and 4 black balls while another bag second contains 5 red and 6 black balls. तो वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स एंड इट्स फाउंड टू बी रेड, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग सेकंड बैग से आपको बोला गया। अब यहाँ पे देखो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। अब बेस थ्योरम लगाने से यहाँ पे पूरा क्वेश्चन बहुत काफ़ी आसान हो जाता है किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा फटाफट से इस क्वेश्चन को आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, मेरे साथ के साथ सॉल्व करते चले जाइएगा जिससे आपको आसानी से क्लियर हो जाए चीज़ें। तो यहाँ पे आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि पहला आपको एक बैग दिया हुआ है, मैं यहाँ पे ट्री डायग्राम की मदद से इसको मैं सॉल्व करूँगा जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए सब चीज़ें। देखिए फर्स्ट बैग है, ठीक है, फर्स्ट बैग एंड सेकंड बैग, उसके अंदर एक में क्या है, 3 red ball है, ठीक है, सॉल्व करते जाइए साथ के साथ, और साथ में यहाँ पे क्या है, 4 black ball है। सेकेंड बैग देखिएगा, उसमें आपको लिखा हुआ है 5 red ball है और 6 black ball है, ठीक है। आगे देखिए आप यहाँ पे कि फर्स्ट और सेकंड जो है उसमें से भी आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक ट्री डायग्राम का ही पार्ट हो गया कि फर्स्ट और सेकंड बैग आपके सामने रखे हुए हैं, उसमें से आपको चूज करना पड़ेगा ना कि मैं कौन से बैग को टच करूंगा, कहाँ से ब्लैक और रेड बॉल को निकालूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे ट्री डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो यहाँ पे ये बैग्स हैं, यहाँ पे इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 बैग से यहाँ पे क्या बॉल को निकालेंगे, पहले बैग की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, मतलब वन जो है एक ही बैग को आप एक बार में सेलेक्ट करेंगे और डिवाइड बाय क्या आएगा, टोटल आउटकम, मतलब दोनों के दोनों बैग्स जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। तो 1/2 यहाँ पे इसका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो गया। अगर आपको रेड बॉल का बोला गया तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो गया। तो यहाँ पे 3/7 इसका प्रोबेबिलिटी, 4/7 इसका प्रोबेबिलिटी, 5/11 इसका प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे 6/11 इसका प्रोबेबिलिटी। एक ही बार में सारी चीजें लिख दी, ट्री डायग्राम से अच्छे से समझ लिया। वापस से समझा देता हूँ, अगर आपके पास 2 बैग हैं, एक बैग में 3 red and 4 black balls पड़ी हैं, दूसरे बैग में यहाँ पे 5 red and 6 black balls पड़ी हैं, आपको पहले बैग ही चूज करना पड़ेगा कि कौन से बैग को मैं टच करने वाला हूँ, कौन से बैग से बॉल निकालने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहले उसकी भी प्रोबेबिलिटी आपको लिखनी पड़ेगी 1/2, 1/2। उसके बाद 3/7, 4/7 यहाँ पे सबकी इंडिविजुअली जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो हम लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये ट्री डायग्राम समझ में आया होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। ये तो इन्फॉर्मेशन है, उसकी मदद से हमने प्रोबेबिलिटी को निकाल लिया। अब आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको बोला गया कि वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग, किसी भी बैग से निकाला गया, इट इज़ फाउंड टू बी रेड, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम द बैग सेकंड। आपको बैग सेकंड से निकालना, बेस थ्योरम का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं वो देखिएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको लिखा हुआ है, आपको फाइंड क्या करना है, बैग सेकंड का मतलब हो गया यहाँ पे इवेंट जो दूसरा वाला है उसके अंदर से आपको ए वाला प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ए हो चुका है तब E2 के अंदर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब आपको वो निकालना कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम द बैग सेकंड की वो रेड हो जाए। सेकंड वाले बैग में से आपको निकालना है, किसका निकालना है, रेड वाली
की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है सेकंड वाले बैग में से, ठीक है। तो अब मेरे को ये बात बताइए, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि जब मैं सेकंड बैग की तरफ जाऊंगा तो 1/2 मुझे मिलेगा, पहली प्रोबेबिलिटी मेरी ये होगी कि मैं बैग ही सेकंड चूज कर रहा हूँ। उसके बाद मेरे को ये बोला गया कि सेकंड के अंदर मेरी क्या है, ब्लैक बॉल है, तो उस ब्लैक बॉल को चूज करूंगा या सॉरी रेड बॉल है तो रेड बॉल को चूज करूंगा। तो पहले 1/2 गया, फिर यहाँ पे कहाँ चला गया, 5/11 की तरफ चला गया। तो अब यहाँ पे इसकी जो फॉर्मूला है पूरा का पूरा वो भी मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगी हर एक चीज़। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगी कि डायग्राम कैसे बनाया गया है, ट्री डायग्राम, उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा चीज़ों को कि किस तरीके से यहाँ पे 1/2, 1/2, 3/7, 4/7, 5/11, 6/11 जो है प्रोबेबिलिटी आई है। अब हमसे पूछा क्या गया है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में वापस से। हमें पूछा गया है कि वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वॉज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग सेकंड। सेकंड वाले बैग से होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, रेड ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से हम बेस थ्योरम को करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि हम यहाँ पे दो स्टेप एक साथ कर रहे होते हैं, बैग भी पहले प्रोबेबिलिटी बैग की आई, उसके बाद बैग के अलावा क्या आया हमारा यहाँ पे कोई बॉल किस कलर की होनी चाहिए, तो वो रेड कलर की होनी चाहिए। तो अब देखते हैं आगे कि किस तरीके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब आपने देखा यहाँ पे कि ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे देखो बेस थ्योरम अप्लाई किया हुआ है। बेस थ्योरम को आपको समझना फॉर्मूले से नहीं है, फॉर्मूला केवल एक समझने के लिए है। बेसिकली आपको पता वही होना चाहिए कि टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, जो आपका बेसिक है, और बेसिक से कभी भी आपको पीछे नहीं हटना है क्योंकि बेसिक हमेशा वही रहने वाला है। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या होगा कि बैक कौन सा होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, और रेड भी कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। तो जब बैक सेकंड में आपने यहाँ पे उसको रैंडमली पिक किया तो बैक सेकंड में ऑलरेडी यहाँ पे रेड आ चुकी है, उसकी प्रोबेबिलिटी दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लग रहा है। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड में क्या आया, टोटल आउटकम्स, जो पहले बैग में रेड थी जो दूसरे बैग में भी रेड थी उसको दोनों को एड ऑन कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर रहे हैं दोस्तों, वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी वो चेक कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि सेकंड बैग के लिए है, तो सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी क्या ली थी हमने कि यहाँ पे देखो सेकंड में 1/2 है और यहाँ पे क्या है, रेड होनी चाहिए, तो 5 रेड और 6 ब्लैक है और यहाँ 3 रेड और 4 ब्लैक है। तो हमें सेकंड बैग से ही निकालना है, तो क्या हो जाएगा हमारा सीधा सीधा यहाँ पे हम रख देंगे सेकंड बैग के लिए 1/2। देखिए यहाँ पे 1/2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/11 और डिवाइड में क्या आ जाएगा टोटल, तो 1/2 इंटू साथ में क्या आ जाएगा आपका 3/7 प्लस क्या आ जाएगा 1/2 इंटू साथ में आ जाएगा आपका 5/11 आ जाएगा, येस और नो। तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। बेसिकली अपने को समझना क्या है वो इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन पार्टों पर आसानी से कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए टोटल फेवरेबल आउटकम्स है और यहाँ पे क्या है, टोटल आउटकम्स है। यहाँ पे भी जो रेड है पहले वाले बैग के लिए और दूसरे वाले बैग के लिए जो रेड है वो टोटल में आएगा। इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि दूसरे वाले रेड को ही ले लेते हैं या दूसरे वाले बैग में जो रेड है उसी को ही ले लेते हैं टोटल के अंदर। नहीं, आपको पूरा जो पूरा एकदम इवेंट दिया हुआ है पूरा फर्स्ट वाला पार्ट भी लेना है, उसके अंदर फर्स्ट बैग में जो रेड है उसको भी यहाँ पे कंसीडर करना है और जो सेकंड वाला जो है उसको भी यहाँ पे कंसीडर करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल है, वही चीज़ टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब आसानी से इसको आप सॉल्व कर लें, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5/22 और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों नीचे डिवाइड में, यह आ जाएगा मेरा 3/14, इसको सॉल्व कर लीजिए। साथ में क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं जिससे कि क्लियर हो जाए आपको, ये हो जाएगा हमारा 5/22 और डिवाइड में आ गया हमारा 3/14 प्लस 5/22। अब आप 22 और 14 में से एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 308 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो 308 यहाँ पे एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे आप सीधा सीधा इसको डिवाइड करके लिख देना, जो भी आंसर आएगा आपका वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पे, क्या सीधी सीधी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। उसके लिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपको, आपको बस लिखना कैसे है वो इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे 5/22 अपॉन 3/14 प्लस 5/22 को सॉल्व करेंगे, जो भी पार्ट कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे और सिंपली जो भी आपका आंसर आएगा वो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की हो जाएगी कि बैग सेकंड से यहाँ पे क्या होगा, रेड बॉल जो है निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो सीधा सीधा आप यहाँ पे बेस थ्योरम के थ्रू बता सकते हैं। पहले बैग थे, दो बैग थे, तो वहीं पे प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ गई, तो कितनी आ गई थी 1/2। ये ट्री डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, और उसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ पे आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट तो आपको समझ आ गया कि किस तरीके से फॉर्मूला लगाया है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में लगाना है, किस तरीके से टोटल आउटकम्स लिखे, किस तरीके से टोटल फेवरेबल आउटकम्स लिखे। मेन जो कार्यक्रम है वो क्या है हमारा, वो है दोस्तों इस ट्री डायग्राम को बनाने का। अगर आपको ये इवेंट अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ट्री डायग्राम बना रहे हैं, पहले दो बैग थे उन दोनों बैग्स की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई,
उसके बाद एक बैग में 3 रेड थी, एक बैग में 4 ब्लैक थी, उसके बाद सेकंड वाले बैग में क्या था, 5 रेड और 6 ब्लैक थी। उनकी प्रोबेबिलिटी को लिख दिया कि टोटल यहाँ पे कितनी है बॉल, 7 7, तो 3/7, 4/7। दूसरे वाले बैग में कितनी है, 11 है, तो 5/11, 6/11। ये सबसे बेसिक एग्जांपल है जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। आगे मैं और क्वेश्चंस को लूँगा, नेक्स्ट क्लास जो है वो लास्ट क्लास होगी प्रोबेबिलिटी की, उसके अंदर मैं 4-5 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जामिनेशन में आ सकते हैं इस बार के लिए, ऐसे क्वेश्चन वो क्वेश्चन लेने वाला हूँ। तो आप जल्दी से जाके और फटाफट से इन चीज़ों को लिख लेना, अच्छे से आप कॉन्सेप्ट को समझ लेना। और ठीक है, आपको एक प्रॉब्लम और जो भी चीज़ें आपको दिक्कत आ रही है उनको आप कमेंट में जाके भी लिख सकते हैं, जिससे कि मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर सकूँ। तो आप जल्दी से जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और यहाँ पे नेक्स्ट जो पार्ट में मिलेंगे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।